नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों ये है कूलर, और कूलर की दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि जैसे हमें अगर रात में ठंड लगने लग जाए तो हमें उठकर क्या करना पड़ता है कि इसके पंखे को कम या ज़्यादा करना पड़ सकता है। जैसे अगर गर्मी लग रही हो तो उस केस में हमें पंखे को तेज़ करना पड़ता है, अगर ठंड लग रही हो तो उस केस में हमें पंखे को कम करना पड़ता है, यानी कि उसकी स्पीड को कम करना पड़ता है। और ये बेसिकली सारे काम हमें नींद से उठकर करने पड़ जाते हैं, यानी नींद से उठकर करने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी नींद बेसिकली ख़राब हो जाती है। या फिर मान लीजिए कि जैसे हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, आपके कमरे में चिपचिपापन बेसिकली हो जाता है, उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो कूलर है इसके पानी का जो पंप होता है उसको बेसिकली उठकर बंद करना पड़ता है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है कि हमारी नींद जो है वो ख़राब हो जाती है। बेसिकली कूलर और एसी में ये फ़र्क होता है कि कूलर जो एसी होती है वो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, उसके अलावा उसमें स्लीपिंग मोड होता है, इसके अलावा वो ह्यूमिडिटी नहीं करती, वो तो फीचर्स कह ही सकते हैं। इसके अलावा उसमें टाइमर लगा सकते हैं, या फिर वो टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है, तो वगैरह वगैरह उसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा उसमें रिमोट होता है जिससे हम उसको बेसिकली बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कूलर में कुछ भी नहीं होता। हालांकि आजकल के कूलर में रिमोट कंट्रोल जैसी भी चीज़ें आने लग गई है, लेकिन वो कूलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में महंगे मिलते हैं। हम जो जनरली डेजर्ट कूलर यूज़ करते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों इसी सॉल्यूशन यानी कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मार्केट में किट आई है जिसका नाम है कूलर रिमोट कंट्रोल किट। तो दोस्तों उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसमें इतने सारे फीचर्स हैं जितने आपको एसी में यानी कि एसी के रिमोट में भी देखने के लिए नहीं मिलते। हालांकि मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले डेकिन के एसी के रिमोट का कि उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो उसमें कुछ कुछ सिमिलर फीचर्स मेरे को देखने के लिए मिले इसमें, लेकिन इसमें इतने सारे फीचर्स हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यार कूलर में भी ऐसा कुछ हो सकता है। रिमोट कंट्रोल तो है ही, इसके अलावा साथ में आपके पानी की भी बचत करेगा, इसके अलावा बिजली की भी बचत करेगा, क्योंकि इसमें आप टाइमर भी लगा सकते हो, और जो पानी की मोटर है उसमें आप सेट कर सकते हो कि कितने मिनट वो चलनी चाहिए, कितने मिनट वो नहीं चलनी चाहिए। तो आइए फटाफट दोस्तों उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और वो जो प्रोडक्ट है कूलर रिमोट कंट्रोल किट, वो मैंने बेसिकली अमेजोन से मंगवाया है, और 700 से 800 की रेंज में आपको ईजिली मिल जाएगा। और दोस्तों उसको इंस्टॉल करना इतना ज़्यादा आसान है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का ABCD भी नहीं पता, यानी कि आपको नहीं पता कि तार वगैरह कैसे जोड़ते हैं या कैसे वायरिंग होती है, कैसे कनेक्शन होते हैं, उस केस में भी आप इजीली उसके डायग्राम को देख के बिल्कुल, एक जिसको ABCD भी नहीं पता वो भी उस डायग्राम को देख के उस जो किट है उसको अपने कूलर में इंस्टॉल कर सकता है और मज़े ले सकता है, अच्छी नींद ले सकता है, क्योंकि सारे के सारे फीचर्स उसमें इनबिल्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आइए फटाफट उसको अनबॉक्स करते हैं और उसके सारे के सारे फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये है वो किट जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, एक प्रकार से जुगाड़ कर रखा है, इसको पूरा इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि इसके पूरे इंस्टॉलेशन का मैं अलग वीडियो बना दूंगा। और ये है बेसिकली इसका रिमोट, तो इतने सारे इसमें बटन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैं आपको कूलर ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखिए कूलर अभी ऑफ है और मैं इस बटन को जैसे दबाता हूँ ये यहाँ पे नंबरिंग भी स्टार्ट हो गई, वापस बंद कर देता हूँ। तो ये इस प्रकार की डिवाइस है, छोटी सी ब्लैक कलर की देख सकते हो, और इसमें टोटल 6 वायर निकले होते हैं, एक है, दो है रेड कलर के, दो है ऑरेंज कलर के, और दो है ये ब्लू कलर के। और यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है कि कौन कौन से तार जो है वो कहाँ पे जोड़ने हैं। तो जो रेड वाले हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने मेन सप्लाई में लगा रखा है, येलो वाले हैं जो कूलर के फैन के लिए होते हैं बेसिकली, और जो ब्लू वाले हैं वो होते हैं पानी के पंप के लिए यानी कि पानी की मोटर के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे फैन का बटन मिल जाता है, अगर रिमोट काम नहीं करता तो आप इसको भी दबा सकते हो। और ये फिर स्लीपिंग मोड का है, ये ऑन ऑफ का हो गया, और ये पंप का हो गया। और दोस्तों अगर मैं इसकी कंपनी की बात करूँ तो ये सारू ऑटोमेशन की ओर से प्रोडक्ट जो है वो आता है। सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली की बचत करता है, वो क्यों करता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। और ये इसका रिमोट है जिसमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, एक स्विंग का है, स्लिप का है, फिर यहाँ पे फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, फिर पंप की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, और टाइमर है। बेसिकली पंप की स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती, ये क्या होता है कि पंप कितनी देर चलेगा, कितनी देर बंद रहेगा वो सब है। तो वो इसके साथ यूज़र मैनुअल है जिसमें सारा का सारा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। तो मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से प्रोडक्ट जो है वो काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले वायरिंग का यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम दे रखा है, अगर आप डायग्राम वैसे नहीं समझ में आता तो ये देखिए ये प्रोडक्ट है, और मैंने आपको वायर दिखाई दिए वैसे के वैसे यहाँ पे जोड़ने हैं वायर को। एक दिक्कत ये आती है कि जैसे कुछ जो कूलर होते हैं उनके जो पंखे वाली मोटर होती है यानी कि जो मेन मोटर होती है उसमें से 4 तार बाहर निकलते हैं,
तो यहाँ पे उसके लिए भी सॉल्यूशन दे रखा है। तो जो चार तार निकलते हैं उसमें व्हाइट और जो रेड होता है उसको छोड़ के जो दो टॉप स्पीड वाले तार होते हैं उनमें ये जो बेसिकली येलो तार जो इसमें से निकलेंगे उनको इसमें से अटैच कर देना है, क्योंकि ये जो है वो टॉप स्पीड अपने आप से कंट्रोल कर लेता है, बाइंडिंग का इसमें जिक्र नहीं होता। अब दोस्तों जो इसके मेन फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इतने फीचर्स जो है वो एसी में भी, एसी के रिमोट में भी आपको नहीं मिलेंगे, नॉर्मल एसी के रिमोट में, हालांकि कुछ कुछ कंपनियां ज़रूर देती होंगी। तो ये देखिए आरामदायक पंखे की स्पीड है, 10 स्पीड इसमें दी हुई है, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि आप 0 से लेकर 9 तक इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, जितनी स्पीड आप रखना चाहो इस प्रकार से आप रख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर स्पीड कम ज़्यादा करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से ऑन करता हूँ और ये मैं फुल कर देता हूँ यहाँ से, तो ये 9 तक चलेगी, और जैसे ही मैं इसको कम करूँगा तो देखना आप। जीरो पे बंद हो जाएगा और 1 से लेके 9 तक ये कम्प्लीटली चलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पंप की 5 स्टेप कंट्रोल है, यानी कि 5 टाइप से हम पंप को, यानी कि जो पानी का पंप होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे जो अच्छा फीचर्स लगा वो यही लगा, क्योंकि इससे ह्यूमिडिटी नहीं होगी, यानी कि हवा में जो चिपचिपापन आप फील करते हो या फिर जैसे ह्यूमिडिटी कह सकते हो बरसात के दिनों में, वो आपको फील नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि पानी भी वेस्ट नहीं होगा और मोटर ज़्यादा बंद रहेगी तो बिजली की बचत भी आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे इसमें 1 से लेकर 5 तक नंबर दिए हुए हैं पंप में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। यहाँ से ऑन करता हूँ इसको और ये देखिए ये पंप वाला है, मैं इसको 1 2 3 4 5, तो ये 0 पे, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो पंप कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। और इसके अलावा ये 1 2 3 4 5 का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 1 दबाता हूँ यानी 1 नंबर पे रखता हूँ रिमोट को, तो मोटर जो है वो 1 मिनट चलेगी, 4 मिनट बंद रहेगी, ठीक है। 2 पे अगर मैं कर देता हूँ तो मोटर 2 मिनट चालू रहेगी, 3 मिनट बंद रहेगी। अगर मैं 3 पे कर देता हूँ तो 3 मिनट मोटर चालू रहेगी पानी वाली, और 2 मिनट जो है वो मोटर बंद रहेगी। अगर मैं 4 नंबर पे मोटर कर देता हूँ रिमोट को तो 4 मिनट मोटर चालू रहेगी, 1 मिनट बंद रहेगी। 0 पर लगातार बंद रहेगी और 5 पर लगातार चालू रहेगी। तो इस प्रकार से जो है वो मोटर काम करेगी, जिससे कि बिजली की बचत तो होगी ही होगी, और इसके अलावा जो है वो आपका पानी भी बचेगा और ह्यूमिडिटी भी कम रूम में नहीं होगी। स्लिप मोड, इससे पंखे की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद अपने आप 1 स्टेप नीचे उतर जाएगी, जबकि जब तक गति 2 पर ना आए। दोस्तों ये भी एक कमाल का फीचर है, अगर आप इसको स्लिप मोड में कर देते हो तो क्या होगा कि हर 1 घंटे बाद आपकी जो स्पीड, जैसे मैंने बताया था 1 से लेकर 9 तक है, तो 1 घंटे बाद 8 पे आ जाएगी, फिर 1 घंटे बाद 7 पे आ जाएगी, फिर 1 घंटे बाद 6 पे आ जाएगी, फिर 1 घंटे बाद 5 पे आ जाएगी, फिर 1 घंटे बाद 4 पे आएगी, फिर 1 घंटे बाद 3 पे आएगी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे रात में ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसलिए आपको उठना नहीं पड़ेगा, उठ के बंद नहीं करना पड़ेगा, उठ के की स्पीड को कम नहीं करना पड़ेगा। और 2 तक होगी, क्योंकि दोस्तों 2 से ज़्यादा अगर नीचे स्पीड चली जाती है फिर मोटर थोड़ी सी जो है दब के चलती है, तो उससे जलने का खतरा रहता है, इस वजह से यहाँ तक ये 2 पे आके रुक जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऑन ऑफ टाइमर है, 1 से 9 घंटे का टाइमर है, 1 टाइमर पूर्ण होने पर अपने आप कूलर बंद या चालू हो जाएगा, अगर बंद है तो चालू हो जाएगा और चालू है तो बंद हो जाएगा, उस हिसाब से भी आप टाइमर लगा सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि 3 घंटे बाद कूलर बंद हो जाए तो आप 3 पे सेट कर दीजिए, 3 घंटे बाद अपने आप से जो है वो कूलर आपका बंद हो जाएगा। एक दोस्तों इस जो सबसे अच्छा फीचर मेरे को लगा वो ये है कि जैसे अगर लाइट चली जाती है तो हमें दोबारा से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने स्लीपिंग मोड पे इसको कर रखा है तो अपने आप से उसी मोड में ये चलेगा, अगर आपने टाइमर लगा रखा है तो टाइमर भी उसी मोड में चलेगा, यानी कि जो मेमोरी हम इसमें देते हैं यानी कि जो भी इनपुट इसमें देंगे वो सारा का सारा इसमें सेव होगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट है तो मात्र 700-800 रुपये का, अगर वहीं आप रिमोट वाला कूलर लेते हो तो जैसे ये 12,000 का कूलर आया था सिम्फनी का विदाउट रिमोट वाला, लेकिन अगर वहीं आप रिमोट वाला कूलर लेते हो तो ये 18 से 20 हज़ार के आसपास पहुंच जाता है, और उसमें इतने फीचर्स भी आपको नहीं मिलेंगे जितने इसमें दे रखे हैं, क्योंकि दोस्तों इतने साल हो गए मैंने इतने सारे फीचर्स तो एसी में भी नहीं देखे। हालांकि कुछ कुछ एसी में कुछ कुछ फीचर्स आते हैं, लेकिन सारे के सारे एक एसी में इतने सारे फीचर्स कोई भी कंपनी नहीं देती। तो ये सारा का सारा प्रोडक्ट है दोस्तों 1 साल की वारंटी के साथ आता है, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने बेसिकली इस कूलर के लिए ही इसको मंगवाया है। अगर आप ये मंगवाते हो और इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो भी आपके लिए
अलग से बना दूंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।